लाजवाब टेस्ट का एक ही नाम हल्दीराम। हल्दीराम परिवार की ओर से सभी भंडारा वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोंदिया जिले के नागझिरा अभयारण्य के मंगेझरी प्रवेश द्वार से 21 अक्टूबर से केवल ऑफलाइन पद्धति से व सुव्यवस्थित चुने हुए मार्गों से ही पर्यटक जंगल सफारी कर सकेंगे। उपरोक्त पर्यटन के लिए केवल जिप्सी पर्यटन वाहन से ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के निसर्ग पर्यटन के लिए ऑनलाइन पद्धति से नियमित प्रवेश प्रारंभ होंगे। वन संरक्षक तथा नवेगांव नागझिरा व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र संचालक जयराम गौड़ा आर ने बताया कि नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प में 1 से 15 अक्टूबर तक बारिश की स्थिति को देखते हुए सुव्यवस्थित मार्गों से ऑफलाइन पद्धति से पर्यटन शुरू किया गया था। इस वर्ष लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जंगल क्षेत्र के अनेक मार्ग पर्यटन के लिए उपयुक्त न होने के कारण उनकी मरम्मत प्रस्तावित है, जिसके कारण 15 अक्टूबर तक नागझिरा व न्यू नागझिरा अभयारण्य के लिए पीटेझरी व चोरकमारा प्रवेश द्वार, कोका अभयारण्य के लिए चंद्रपुर प्रवेश द्वार व नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के लिए बकी प्रवेश द्वार से ऑफलाइन पद्धति से कुछ चुने हुए मार्ग से पर्यटन शुरू रखा गया था, लेकिन वर्तमान में बारिश की स्थिति के अनुसार नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के पर्यटन मार्गों की स्थिति देखते हुए 31 अक्टूबर तक नागझिरा व न्यू नागझिरा अभयारण्य के लिए पीटेझरी व चोरकमारा 1 तथा 2 प्रवेश द्वार, कोका अभयारण्य के लिए चंद्रपुर प्रवेश द्वार व नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के लिए बकी और जामरी प्रवेश द्वार से ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धति से पर्यटन शुरू किया गया है।